नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोपरि एकेडमी लक्सर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का एक चैप्टर क्लॉक संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एंगल से संबंधित होंगे। इससे पहले दोस्तों हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो मिरर इमेज और वाटर इमेज से संबंधित है। आइए आज इस वीडियो में हम क्लॉक से एंगल संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों उनको करने का प्रयास करेंगे। पहले समझेंगे कि जैसे ये क्लॉक इमेज है और इसमें एंगल का क्या हिसाब होता है, इसमें एंगल का क्या हिसाब होता है दोस्तों। यहां पर 12, 3, 6 और 9, इसके बाद 4, 5, 7 और 8, 10, 11, 1 और 2। इस घड़ी का जो ये डायल होता है दोस्तों 360 डिग्री का होता है। कितना? 360 डिग्री। अब इसमें तीन सुइयां होती हैं दोस्तों। एक सुई जो होती है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करती है और दोस्तों एक सुई जो होती है सबसे छोटी वो हॉर्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एक सुई घंटे वाली होती है। और दोस्तों एक सुई जो और होती है इसमें वो मिनट वाली सुई होती है। तीन सुई होती है, एक सेकंड, एक मिनट और एक हॉर्स की सुई होती है। और पूरे डायल का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो 360 डिग्री होता है। अब हम ये चेक कर लेंगे कि एक मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री चलती है। तो दोस्तों ये चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई होती है, अगर मिनट की सुई यहां पर है 12 पर और 60 मिनट के बाद वो सुई ऐसे रोटेट करेगी दोस्तों, रोटेट करने के बाद वो सुई 12 पर ही आ जाएगी, मतलब एक घंटे में मिनट की सुई इस डायल को पूरा रोटेट करती है। तो 60 मिनट में सुई जो है दोस्तों 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो यहां पर दोस्तों हम एक मिनट के बराबर निकाल लेंगे कितना डिग्री होगा, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल और 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा। तो एक मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री रोटेट करेगी। एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री रोटेट करेगी। इसके बाद चेक करते हैं दोस्तों, इसके बाद हमें पता चल गया है कि जो 1 मिनट वाली सुई होगी वो 6 डिग्री रोटेट करती है एक मिनट में। इसके बाद में जो दूसरी सुई का ग्राफ निकालना है दोस्तों हमें, फिर चेक करते हैं सेकंड वाली सुई, जो सेकंड वाली सुई होती है वो एक मिनट में 360 डिग्री रोटेट करती है। ये तो हमें पता है कि अगर सेकंड वाली सुई यहां पे है और पूरा एक मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो वह सुई पूरा रोटेट करके फिर 12 पर ही आ जाएगी। तो यहां पे हमने चेक कर लिया कि एक मिनट में जो सेकंड वाली सुई होती है वो 360 डिग्री रोटेट करती है। ये मिनट वाली सुई और दोस्तों ये सेकंड वाली सुई। अब हमें चेक करना है कि जो घंटे वाली सुई होती है, जो हॉर्स वाली सुई होती है वो एक मिनट में कितना डिग्री चलेगी। तो हम ये चेक करेंगे कि 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है वो 360 डिग्री रोटेट करती है। अगर यहां पर 12 बजे हैं और 12 ही घंटे बाद हम चेक करेंगे तो यह सुई जो होगी घंटे वाली फिर 12 पर ही आ जाएगी, मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री। अब हम यहां चेक करेंगे कि एक घंटे में कितना डिग्री, तो 360 बटे 12 और दोस्तों इसको आप यहां से कट करोगे तो 12 36, एक घंटे में 30 डिग्री। एक घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है 30 डिग्री रोटेट करती है। अगर हम इस एक घंटे को 60 कर दें, 60 मिनट और इधर 30 डिग्री, 60 मिनट में फिर एक मिनट कर लें तो 30 डिग्री बटे 60 मिनट और ये इससे कट हो जाएगा तो 1/2 डिग्री आ जाएगा। तो
तो यहां पर हमें क्या पता चला कि जो हॉर्स वाली सुई होती है वो एक मिनट में 1/2 डिग्री रोटेट करती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। ये आपको 3 पोर्शन मिल गए दोस्तों। मिनट वाली सुई जो होती है आपने निकाल लिया है 3 पोर्शन। अगर मिनट वाली सुई पूछेगा तो आप बता दोगे 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करेगी, और सेकंड वाली सुई 360 डिग्री ही रोटेट करेगी, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलेगी। अब क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ सकता है, बताइए कि 2 PM से 4 PM तक मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई और हॉर्स वाली सुई कितना डिग्री चलेगी। अगर दोस्तों आपको तीनों सुई की जानकारी है कितने डिग्री रोटेट होती है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि 2 PM से 4 PM तक 2 घंटे होते हैं, और 2 घंटे में दोस्तों 120 मिनट होती है, 2 घंटे में 120 मिनट होती है, और आपको पता है 1 मिनट वाली सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करती है, तो 120 में कितना करेगी, 6 की मल्टीप्लाई आप 120 से कर देना। जैसे ही आप 6 की मल्टीप्लाई दोस्तों 120 से करोगे तो यहां पर आ जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 720 डिग्री आंसर आ जाएगा दोस्तों मिनट वाली सुई का। इसके बाद सेकंड वाली सुई आपको पता है 1 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करती है, और 120 से मल्टीप्लाई करोगे आप दोस्तों इसकी तो आ जाएगा आंसर 43 200 डिग्री, इतना डिग्री ये सुई रोटेट करेगी। इसके बाद जो हॉर्स वाली सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री रोटेट होती है, और टाइमिंग दी है हमें 120 मिनट, तो 2 से इसे कैंसिल कर देंगे दोस्तों हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। तो दोस्तों आपको ये एंगल वाले क्वेश्चन करने से पहले कुछ डिग्रियों का ज्ञान होना चाहिए, आपके क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एंगल संबंधित कुछ और क्वेश्चन लाएंगे जो क्लॉक से संबंधित होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।